माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में मामले को सुना जा रहा है। सुबह 10:30 बजे इस केस में सुनवाई हुई। दरअसल गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके बाद अब अफजाल अंसारी हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है। अब हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। और अब खबर राजधानी लखनऊ से। अवैध असलहे मामले में अब्बास अंसारी पर अनुपूरक आरोप पत्र, गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में अनुपूरक आरोप पत्र कोर्ट को सौंपा गया है। यूपी एसटीएफ ने अब्बास अंसारी के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस कस्टम और राइफल एसोसिएशन के मूल दस्तावेज कोर्ट को सौंपे गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। अब बात कानपुर की, जहां पुलिस का न्याय देने के लिए एक कारनामा सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसी महिला पर एफआईआर दर्ज की है जिसकी उम्र 100 साल है और ठीक से चल भी नहीं सकती है। ताज्जुब इस बात का है कि 100 साल की बुजुर्ग पर रंगदारी मांगने का आरोप है और रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। दरअसल एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की है। बहरहाल पुलिस कमिश्नर इस मामले को संज्ञान में आने पर पहले तो खूब चौंके और इसके बाद कमिश्नर ने मामले की जांच का आदेश दिया है। अच्छा यह है कि सर, मतलब हमारी जमीन, हमारा प्लॉट कब्जा और हमारी जमीन कब्जा हो रही और उसके मना करने के ऊपर हमारे ऊपर रंगदारी लिखाई जा रही है। हमारी माता जी हैं, इनके ऊपर रंगदारी लिखाई जा रही है। 10 लाख रुपए की रंगदारी लिख रहे हैं कि मैंने मेरा मकान प्लॉट है, मेरी माँ ने मुझे दिया है मिर्जापुर नई बस्ती पे। वहीं 3 देशों की यात्रा से लौटने के बाद आज पीएम मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद आज उत्तराखंड की। स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी साक्षी बनते हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। इस मौके पर वंदे भारत ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उद्घाटन से पहले सीएम धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के अंदर जाकर यात्रियों से बात की। आपको बता दें कि ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच हफ्ते में बुधवार को छोड़कर 6 दिन दौड़ेगी और बीच में 5 स्टेशनों पर रुकेगी। देहरादून से चलकर ये ट्रेन हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ होते हुए दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर रुकेगी। सुबह 7 बजे देहरादून से चलकर 12:15 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।